नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएसएस टीम के T245 सोल्डरिंग स्टेशन के एरर के बारे में। इसके एरर का सॉल्यूशन क्या है, इसके अंदर जैसा कि आप इसकी डिस्प्ले में देख रहे हैं, अगर इस तरीके से आपके पास 5-E का एरर आता है T245 मॉडल में, ठीक है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। कई हमारे टेक्नीशियन भाई जो इस आयरन को यूज करते हैं, अगर उनके सामने ऐसा कोई एरर आता है तो हमारी ये वीडियो देख के वो अपने इस एरर को 100% दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, हमने आयरन के स्टैंड से हमारे हैंडल को अलग किया, ठीक है, तब भी दोस्तों आप देख सकते हैं इस एरर के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, आयरन रखने के बाद भी कोई बीप की आवाज भी नहीं आ रही है, ठीक है, किसी तरह की कोई भी सेंसिंग नहीं आ रही है। जैसे आप इसकी पावर ऑफ कर रहे हैं, ये देखिए हमने इसकी पावर ऑफ कर दी है, ये देखिए दोस्तों पावर ऑफ कर दी है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखिए एक बार बीप की आवाज आती है और डायरेक्ट हमारा इस एरर पे, इस एरर मोड में हमारा डिजिटल सोल्डरिंग आयरन आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस प्रॉब्लम का हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हैंडल है, ठीक है, इसके अंदर जो आप ये बिट देख रहे हैं, ये बिट आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाती है। मार्केट में फ्रेंड्स आपको इस तरीके से C245 के नाम से आपको T245 आयरन की बिट्स अवेलेबल हो जाती है। आप इनको परचेज करके, इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आपको अपनी बिट चेंज करके देखनी है। और दोस्तों, बिट चेंज करने से लगभग 99% जो हमारी ये सॉल्यूशन है 5-E वाली, इसको कई लोग S-E भी बोलते हैं, तो 5-E की जो ये प्रॉब्लम है, जो ये एरर है, ये आपकी 99% बिट चेंज करने से सोल्व हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप ये नई बिट हमारी देख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन को आपको बंद कर लेना है, पावर ऑफ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप पावर ऑफ कर दें। पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों, जो हमारे आयरन के अंदर जो हमारी ओल्ड बिट है, इसको आप इस तरीके से इजिली रिमूव कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये हमारी ओल्ड बिट हो गई, इसको हम रिमूव कर दिए। और दोस्तों, अब इसके अंदर हम नई बिट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पे आप ये होल देख रहे हैं, इस तरीके से आपको जो न्यू बिट है ये इंसर्ट कर देनी है, और आपको इस तरीके से हल्का सा इसको पुश कर देना है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसका पावर ऑन करते हैं। देखिए, हमने बिट इंस्टॉल कर दी है, अब हमें पावर ऑन करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, नई बिट इंस्टॉल करते ही जो हमारा एरर था उसका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो से दोस्तों आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इस एरर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिन भाइयों को इस एरर का बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, बहुत ही लाभप्रद होगी, काफी नॉलेज वाली होगी। क्योंकि दोस्तों, आपने 5-E इस एरर का सॉल्यूशन में आपने जाना कि बिट चेंज करने से हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था, पहले जब हम स्टैंड से हैंडल को अलग कर रहे थे तो कोई भी यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही थी। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने हैंडल रिमूव किया तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया है, यानी कि हमारा सोल्डरिंग स्टेशन जो है, हमारा T245 सोल्डरिंग आयरन है, डिजिटल सोल्डरिंग आयरन है, ये हमारा कंप्लीट 100% ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं, सेंसिंग हमने वापस से स्टैंड में रखा तो आपने बीप की आवाज सुनी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से बिट चेंज करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इस तरह के टेक्निकल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।